अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। यहाँ पर जो मेरा व्लॉग आज स्टार्ट हो रहा है, ये नमाज फजर से स्टार्ट हो रहा है। मैंने नमाज फजर जो है वो अदा की, तो बस उसके बाद जो है मैं बाहर देख रही थी कि रोशनी हुई है नहीं हुई, मगर अभी जो है फुल अंधेरा था। और फिर उसके बाद मैं सो गई थी नमाज अदा करने के बाद, तस्वीर वगैरह पढ़ के। ये था सुबह का टाइम। और नाश्ते में जो मैंने कल चिया पुडिंग बना के रखी थी अपने लिए और सिस्टर के लिए, वही मैंने ले ली थी। और ये तो बिल्कुल रेडी था। वैसे आप लोग चाहें तो फ्रूट्स जो हैं वो सुबह में डाल ले, मैंने रात में ही इसमें एप्पल जो है वो डाल के रख लिए थे। वैसे बनाना जो है वो आप लोग डाल दें। मुझे बहुत थिक थिक जो है चिया पुडिंग नहीं पसंद। अगर आप लोग में से कोई बनाए और उसे थिक खानी हो तो 2 स्पून के जितना भर के इसमें चिया सीड्स जो है वो डाल दें, और इसमें जो है मिल्क 1 कप के जितना शामिल कर दें। मैंने मिल्क ज़्यादा डाला है क्योंकि मुझे इतनी थिक वाली नहीं पसंद। और यहाँ पर जो है आज मैं बना रही थी कढ़ी, क्योंकि अम्मी जो है सुबह से कह रही थी कि आज मेरा कढ़ी खाने का दिल है, तो आज जो है कढ़ी बनाओ। वैसे कभी मैंने कढ़ी बनाई नहीं है, तो बस फिर मैंने आधा घंटा तो है यूट्यूब का सर खाया और देखती रही, कुछ रेसिपीज़ जो है वो सर्च करती रही, और वहाँ से देख कर फिर मैंने कोई एक रेसिपी जो है वो सिलेक्ट की, जिससे फिर मैंने ये कढ़ी बना ली थी। बन तो बहुत अच्छी गई थी, फ़र्स्ट टाइम ही बनाई थी, वरना अक्सर जो है सिस्टर बनाती है तो फिर वही भेज देती है हमें भी, और मैंने कभी बनाई नहीं है, या फिर अम्मी बनाती हैं। तो फिर अम्मी जो हैं आज, उनसे मैंने कहा कि आप रहने दें, आज मैं खुद ही बनाऊँगी। तो बस कभी कोई रेसिपी नहीं आए तो फिर मैं यूट्यूब कर लेती हूँ। और साथ में जो है फिर बॉयल राइस जो है वो बना लिए थे। ये लंच टाइम था, तकरीबन जो है 3 बज चुके थे लंच टाइम में भी। हाय यूट्यूब फैमिली, ये है मेरी भांजी अर्फा, और आज माशाल्लाह इसने कुरान पाक जो है वो ख़त्म कर लिया है। और आज सैटरडे नाइट है, तो ये हमारी तरफ स्टे करने आई है। और इस टाइम जो है हम पीने लगे हैं चाय, और चाय जो है वो बनाने लगी है मेरी छोटी सिस्टर और छोटी भांजी, वो दोनों मिलकर चाय बनाने लगी हैं। चाय हम इसलिए बनाने लगे हैं क्योंकि हम लोगों ने बेकरी से बिस्किट मंगवाए हैं, और बिस्किट जो है वो हमसे ऐसे खाए नहीं जाने, तो इसीलिए जो है हमने सोचा क्यों ना हम चाय पी लें। और अभी टाइम क्या हुआ है, 9:28 हो चुकी है। पहले तो मैं अपने लिए चाय बना रही थी, मगर फिर भांजियों ने और सिस्टर ने कहा कि हम भी पियेंगे, तो फिर मैंने इन्हें कहा कि चलो फिर आप तुम लोग ही जाकर बनाओ। ये हमारी चाय आ चुकी है, और अब हम निकालते हैं जी बिस्किट, जिनकी वजह से हमें चाय जो है वो पीनी पड़ रही है। और ज़रा ये निकालो बिस्किट भैया। असल में हमारा दिल था टी केक खाने का, तो फिर हमने भाई से बोला कि टी केक ला दो, तो वो जब गए हैं तो वहाँ टी केक जो है वो ख़त्म हो चुका था। तो फिर भाई जो है बिस्किट लेते आए, अब बिस्किट आ गए थे, दिल तो हमारा टी केक का था, तो फिर हमने ऐसा किया कि साथ में चाय बनाई, और फिर हम लोगों ने ये बिस्किट जो इंजॉय किए। ये था नेक्स्ट डे का क्लिप। और आज जो है सिस्टर्स वगैरह उन सब ने यहीं आना था, क्योंकि आज जो है संडे है, तो फिर आज मैं कढ़ाई बना रही थी, बीफ कढ़ाई सबके लिए। अच्छा, संडे संडे ऐसे होता है कि मोस्टली नाश्ता जो है वो अम्मी बना लेती हैं, वैसे तो आजकल अम्मी बना रही हैं और मेरा भी बना हुआ ही होता है जब मैं जाती हूँ, तो बस फिर मैंने नाश्ता जो है वो करना होता है। पहले ऐसे होता था कि मैं खुद बनाती थी, तो फिर मैं दिखाती भी थी व्लॉग में कि आज मैं नाश्ते में क्या बना रही हूँ या क्या ले रही हूँ, तो आजकल जो है मेरा नाश्ता बना हुआ ही होता है इसीलिए। और अभी मैं जो है लंच बना कर चली जाऊँगी, उसके बाद जो है सिस्टर जो आएगी वो फिर राइस बना देगी। तो हम लोग इस तरह से करते हैं कि एक एक चीज़ जो है वो सब मिलकर बना लेते हैं। और यहाँ पर जो है भाई समोसे लाए थे, क्योंकि बच्चों सबका दिल था समोसे खाने का, तो फिर भाई गए थे सबके लिए ले आए थे, बड़ों के लिए भी। तो बस यहाँ सिस्टर जो है वो लेकर आ गई थी मेरे पास, तो मैं यहाँ खड़े खड़े ही मैंने समोसा जो है वो भी खा लिया था। उसके बाद जो है अम्मी आ गई थी मेरे साथ, मैंने उन्हें कहा था कि आप आ जाएँ थोड़ी देर चम्मच चलाने, तो मैं जो हूँ बाकी चीज़ें जो हैं वो बना लूँ। पहले तो ऐसे होता था कि मैं कुकिंग की जो है वो वीडियोस बहुत कम ही बनाती थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो बस झटपट जो है बना के चली जाती थी। क्योंकि इस तरह से मोबाइल को सेट करना एक एक चीज़ के लिए तो काफ़ी टाइम लग जाता है, बस फिर इसीलिए मैं पहले ऐसा करती थी कि कुकिंग कर लेती थी और जस्ट जो है खाने का क्लिप वही दिखा देती कि आज ये बनाइए। और अब जो है मौसम काफ़ी अच्छा हो गया और विंटर सीज़न आ रहा है, तो इंशाल्लाह अब जो जो कुकिंग होगी वो मैं साथ साथ दिखाऊँगी। यहाँ पर जो है कढ़ाई रेडी हो गई थी, और उसके साथ साथ मैं दूध भी बॉयल कर रही थी। फिर मैंने सोचा चलें सैलेड बना लेती हूँ साथ में। हम लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं, तो बस इसीलिए जब दिल करता है उसी टाइम ही जाकर कुकिंग कर लेते हैं। और जो गैस वाले हैं उनको तो बस गैस के ही टाइम के मुताबिक कुकिंग करनी पड़ती है। अब तो हमें पता भी नहीं है कि किस टाइम गैस का शेड्यूल है क्या है,
और कब आती है कब जाती है। हमारी रूटीन जो है इसी हिसाब से सेट हुई है। और मैं मम्मी को कह रही थी उस दिन कि ये जो गैस का टाइम बना हुआ है हमें तो इसकी आदत भी नहीं है, और जब तक हम उठेंगे उस टाइम तो गैस ही जा चुकी होगी, तो बस इसीलिए जो है सिलेंडर जो है वही हमें सही है। वैसे भी घर में एक किचन में तो हम लोगों ने सिलेंडर ही यूज़ करना है, वही रखना है, और दूसरे में जो है गैस। और आजकल गैस के न्यू कनेक्शन तो किसी के लग ही नहीं रहे। और हम लोग भी जब यहाँ शिफ्ट हुए थे, बल्कि हम लोगों ने जब ये प्लॉट लिया था उसी टाइम ही हम लोगों ने गैस लगवाने की जो है वो दे दी थी दरख्वास्त, मगर अभी तो किसी के भी न्यू कनेक्शन नहीं लग रहे गैस के। और ये था नेक्स्ट डे का क्लिप। आज हम साग जो है वो साफ़ कर रहे थे, अम्मी ने सुबह सुबह साग ले लिया था तो बस उसी को साफ़ कर रहे थे। और नाश्ते टाइम में मैंने पहले ले लिया था ग्रेप फ्रूट का जूस, और उसके बाद फिर 12 बजे मैंने वही स्पिनिच और वेजिटेबल का जो स्क्रम्बल एग है वो बना लिया था। और ये वैसे भी हेल्दी होता है, मुझे तो इतना अच्छा लगने लग गया, मैं तकरीबन डेली ले लेती हूँ। और दोपहर में राइस बना रहे थे। आज फ्राइडे है और अब्बू जो हैं वो जल्दी आ जाते हैं फ्राइडे, तो फिर बच्चे जो हैं वो भी अब्बू के साथ आ गए थे क्योंकि इन्हें स्कूल से तो छुट्टी थी और ट्यूशन की भी छुट्टियां हो गई हैं, तो इसी वजह से फिर मैंने जो है नमाज जमा अदा की। उसके बाद वही सेम रूटीन के मैंने सारा काम जो है वो पढ़ी। बस फिर लंच किया सबके साथ मिलकर, और असर की नमाज अदा करने के बाद फिर मैं ऊपर चली गई थी, वहाँ बैठकर मैंने तस्बीह की थोड़ी देर। और ये रही मैं, ये फिर शाम का क्लिप था। बच्चे जो हैं वो चले गए थे क्योंकि मम्मा तो उनकी नहीं आई थी, तो बस सिर्फ बच्चे ही आए हुए थे, तीनों आमना भी थी साथ में, तो शाम में उन्होंने नहीं रुकना था। अगर सिस्टर होती फिर वो तो रात तक रुक जाती है, मगर बच्चे थे तो फिर ये असर टाइम ही चले गए थे। आजकल पता नहीं क्यों घर का खाना मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा, और डेली रात में दिल करता है कि कुछ बाहर का खाया जाए, मगर बाहर से जो मैंने बर्गर मंगवाया मेरा ज़रा खाने का दिल नहीं करता और ना ही वो इतना टेस्टी होता है। तो फिर मैंने यही सोचा कि चले मैं खुद घर में बनाती हूँ, और मेरे पास चिकन का कीमा जो है वो बना हुआ पड़ा था, और वैसे भी बना के रख ही लेती हूँ कि कभी भी किसी चीज़ का दिल करे तो मैं उसे यूज़ कर लूँ। और यहाँ पर वही मैंने चिकन का कीमा लिया, इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड किए और सॉसेस वगैरह ऐड की, और उसके बाद जो है फिर यहाँ पर मैंने बर्गर बन बना लिए थे कि खुद ही घर में तो ज़्यादा ही टेस्टी बन गए थे। और यहाँ पर फिर मैंने भाई के लिए अलग किए, सिस्टर में और अम्मी भी थी, तो फिर सबके लिए भी मैंने बना लिए थे कि चले सभी टेस्ट कर लेंगे। और हल्की फुल्की सी वैसे भूख सबको लगी हुई थी, शाम में तो हम लोगों ने और बनाया नहीं था, वही दोपहर में राइस लिए थे। ये था नेक्स्ट डे का क्लिप। नाश्ते में तो मैंने गोभी का पराठा और चाय ले ली थी। उसके बाद सारा दिन जो है आज कामों में इतना बिजी रहे, घर के जो हैं वो काम कुछ रह गए थे तो वही हम कर रहे थे, सारी चीज़ें जो हैं वो समेट रहे थे। फिर बस दोपहर में तो कुछ और मैंने बनाया नहीं था, और लंच भी हम लोगों ने आज नहीं किया था, तो हम लोगों ने आज असर टाइम ये पास्ता बना लिया था क्योंकि काम कर रहे थे और कुछ कपड़े जो हैं वो समेट कर ऊपर रख रहे थे और कुछ निकाल रहे थे, इस तरह से जो है हमारे काम चल रहे थे। और टाइम का पता ही नहीं चला कि कब असर हो गई थी, तो फिर लाइट सी भूख थी, फिर यही बना लिया था। उसके बाद फिर मैं अपनी सिस्टर की तरफ चली गई थी। वहाँ क्यों गई थी, क्योंकि मेरी सिस्टर और बहनोई और भांजी जो हैं उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो बाजू जो है वो फ्रैक्चर हो गई थी तीनों की, और शुक्र अल्लाह का कि उनकी जान मतलब वो सेफ़ है, अल्लाह ताला सब की हिफाजत फरमाए। और फिर मैं वहीं रही थी 1 वीक, और काफ़ी टाइम से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था, तो मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे कि कहीं आपने व्लॉग बनाना छोड़ तो नहीं दिए। नहीं, मैंने व्लॉग बनाना नहीं छोड़े, बस अभी मैं घर नहीं थी तो फिर मैं उनके घर थी, सिस्टर के घर। और ये रही मेरी भांजी, अब माशाल्लाह बहुत बेहतर है। ये तकरीबन 1 वीक बाद का क्लिप है जो मैंने बनाया था इसके साथ, और अब तो ये हैंड को खुद ही मूव कर रही है, शुक्र अल्लाह का। आप लोग भी सब इसे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह ताला जल्द से जल्द इन्हें सेहत याब कर दे। और उसके बाद जो है मेरा पार्सल आ गया था, तो मैं वहीं थी, फिर भाई मेरे पास वहीं ले आए थे, वो इसी तरफ आ रहे थे पार्सल जैसे उन्होंने लिया हुआ था, तो फिर उन्होंने मुझे दिखाया। मैंने बस एक फ़ेस वॉश ऑर्डर किया था और एक शैम्पू अपना ऑर्डर किया था। आज तो बहुत ज़्यादा स्मोक थी, और आज मैं बच्चों के साथ ऊपर गई जैसे छत पर, तो इतनी ज़्यादा स्मोक थी हर तरफ, और बच्चों को तो स्कूल से छुट्टियां हैं और वो घर ही हैं, तो बस इसीलिए फिर सब खेलते रहते हैं आपस में। और माशाल्लाह अब जो है इसे उठाकर बिठाते भी हैं हम लोग, और आप लोगों ने लाजमी इसे अपनी दुआ में याद रखना है।
कुछ क्लिप्स मैंने बना कर रखे हुए थे, और जिस दिन इनका एक्सीडेंट हुआ उसी दिन ही मैंने बस वॉइस ओवर करके अपलोड करना था, मगर फिर अचानक जैसे न्यूज़ मिली तो फिर हम लोगों को यहीं आना पड़ गया था। फिर मैं यहीं रह गई थी और साथ में सिस्टर भी यहीं थी, तो फिर इसीलिए व्लॉग जो है वो मेरे रह गए। अब इंशाल्लाह व्लॉग आएंगे, मिलती हूँ अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।